अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेके आए हैं मटन बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही चटपटी सी मटन बिरयानी बनाई है हमने और बहुत ही सिंपल आसान है। चलो देखते हैं रेसिपी। ये मटन लिया है हमने, 1.5 किलो मटन लिया है, 1.5 kg, और इसके अंदर थोड़ी सी चर्बी भी है और बड़े बड़े पीस हमने रखे हैं, ये देख सकते हैं ना, फैट भी है। अब इसके अंदर कुछ मसाले डाल देते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 टेबल स्पून भर कर हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसके अंदर जाएगा धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून डाल देंगे हम धनिया पाउडर। 2 टेबल स्पून से हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, आप 2 टेबल स्पून ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे, अब जाएगी हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर हमने ली है 1/2 टीस्पून, और कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर। चटपटी सी बिरयानी बनने वाली है, और बिरयानी मसाला डालेंगे हम 1/2 टेबल स्पून। और बिरयानी मसाले की रेसिपी हमारे चैनल पर दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं या तो फिर आप रेडीमेड डाल सकते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे धनिया 1 मुट्ठी भरकर, और 2 टीस्पून के करीब हम डाल देंगे नमक, आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और दही डाल देंगे हम, 300 से 350 ml हमने लिया है दही, क्योंकि इसके अंदर हम टमाटर नहीं यूज़ करने वाले हैं, सिर्फ दही का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो दही थोड़ा ज़्यादा लेंगे। और इसके अंदर जाएगी प्याज, प्याज को हमने गोल्डन फ्राई किया है, 6 प्याज लिए हमने और उसको हमने अच्छे से गोल्डन फ्राई किया है, ये पूरी हम इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ी सी बचा लेंगे हम बाकी गार्निशिंग के लिए। और ये सब डाल देते हैं, 1 मुट्ठी के करीब हमने बचाई है थोड़ी सी, और बाकी सारी के सारी डाल दी है, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और ये मिक्स कर हम 1/2 घंटा रखेंगे साइड में, अगर टाइम है तो आप 1 से 2 घंटा भी रख सकते हैं या ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इसी तरह हमने सिर्फ 1/2 घंटा रखा है, अब बनाना शुरू करते हैं। एक कुकर लिया है, उसके अंदर हमने तेल डाल दिया, तेल वही लिया है जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी। अब इसके अंदर ही हम मटन डाल देते हैं, और मटन की हमें अच्छे से भुनाई करनी है, तकरीबन 7 से 8 मिनट तक अच्छे से भून देंगे ताकि इसका तेल अच्छे से सेपरेट हो जाए और मटन में जो कच्चे मसाले हैं ना उसकी स्मेल चली जाए। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जो हमारा मसाला लगा हुआ है ना बर्तन को उसी से साफ़ कर लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा लिया है हमने 1/2 कप के करीब, और इसे साथ साथ भूनते जाएंगे। 5 से 6 हमने हरी मिर्ची डालनी है इसके अंदर, ये हरी मिर्ची हमने ऐसे ही डाल दी है, अगर आपको पेस्ट चाहिए तो आप पेस्ट डाल सकते हैं 5 से 6 हरी मिर्ची लेकर। हमको बहुत ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए क्योंकि हमारी मिर्ची भी थोड़ी सी तीखी है ना। रेड चिली पाउडर भी डाली है हमने 1 टेबल स्पून भरकर, बिरयानी मसाला भी है, तो इतनी मेरे लिए इनफ है, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालें। और ये देख सकते हैं हल्का हल्का तेल सेपरेट होने लग गया है, अब थोड़ी देर और भुनाई कर लेते हैं हम इसकी। और ये देखो कितना अच्छे से भुन रहा है ना हमारा मटन। ये ऑलमोस्ट मटन हमारा अच्छे से भुन चुका है, अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी, 2 ग्लास भर का हमने पानी डालना है ताकि हमारा मटन भी अच्छे से गल जाए और थोड़ा सा ग्रेवी जैसा रहे। पानी डाला है ना तो एक बार चम्मच चला लेते हैं अच्छे से। अब इसको ढककर रख देते हैं और इसको हम पकाएंगे, 8 से 10 सीटी ले लेंगे, आप आपके हिसाब से जितना मटन को टाइम लगता है उतना आप गला लो। अब एक साइड में हमने पहले से ही पानी चढ़ा दिया है, हमने 1.5 किलो मटन लिया है तो 1.5 किलो चावल लेंगे, और 3 लीटर के करीब हमने पानी लिया है, 3 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले, दालचीनी का 1 टुकड़ा डाल दिया 2 इंच का, 3 इलायची डाल दिए, 4 से 5 डाल दिए हमने लौंग, 1 टीस्पून भर कर हम डालेंगे ज़ीरा, और थोड़ा सा डालेंगे हम वो धनिया और पुदीना, अगर पुदीना है तो डालें, मेरे पास नहीं था तो मैंने सिर्फ धनिया डाल दिया है। अब डाल देंगे हम 2 तेज़पत्ता जो हमने पहले नहीं डाला था, तो आप पहले भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम चावल डाल देंगे, चावल हमने 1.5 किलो लिया है और उसे हमने 1 घंटा भिगो कर रखा था, और इससे डबल हमने लिया है पानी, ठीक है। अब इसको अच्छे से पका लेते हैं हम, 3 कनी रहने तक पका लेंगे।
चावल में हमने 3 टेबल स्पून भरकर नमक डाला था जो इस वीडियो में स्किप हो गया है। और ये देख सकते हैं चावल हमारे बिल्कुल रेडी है। अब इसका पानी हम छान कर साइड में रख देंगे। अब आते हैं हमारे मटन की तरफ। मटन को हमने 9 से 10 सीटी ली और गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी थी। अब हमने इसको खोल कर चेक करना है। और ये मटन हमारा बिल्कुल हो चुका है। अब इसके अंदर हम आलू डालने वाले हैं। हमने 2 से 3 आलू लिए हैं और उसको हमने फ्राई कर दिया है। अगर आप आलू पसंद करते हैं बिरयानी में तो डालें, नहीं डालना है तो नहीं डालें, स्किप कर दें। मुझे पर्सनली आलू पसंद है तो मैं डाल रही हूँ। ये आलू हमने डाल दिए, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। देखा ना कितने अच्छे से बना है ना हमारा। और इसका है ना तेल हम निकाल लेते हैं, ऊपर की तरी निकाल लेंगे और बाद में हम इसको यूज़ करने वाले हैं। थोड़ी सी तरी ज़्यादा ही है क्योंकि चर्बी डाल दी थी हमने। ये तरी हम निकाल कर साइड में रख देते हैं। और देख सकते हैं ना इसकी थिकनेस किस तरह से है, इसी तरह रखेंगे हम। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पुदीना पाउडर डाल रहे हैं, क्योंकि पुदीना नहीं था ना तो पाउडर मैंने यूज़ कर लिया जो था वो 1 चम्मच के करीब। इससे तो अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। आप इस स्टेज पे पुदीना और धनिया दोनों डाल सकते हैं बिल्कुल। अब इसको हम दूसरी बर्तन में शिफ्ट करेंगे और धनिया डाल देंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे हमारे चावल जो हमने बॉईल कर कर रखे हैं। सारे चावल डाल देते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ी सी धनिया डालेंगे, थोड़ा सा ब्रिस्ता डालेंगे जो हमने रखा है बचा कर, 1 मुट्ठी के करीब बोला था ना हमने। और इसके ऊपर डालेंगे हम फूड कलर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। हमने येलो फूड कलर डाला है, आप ऑरेंज येलो कोई भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ जो हमने तरी निकाली है ना वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, हमने स्किप कर दी है। अब हम बिरयानी को कवर करके रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। गैस हमने एकदम स्लो रखना है और अच्छे से बिरयानी को हमने दम होने देना है। और 15 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, ये देख सकते हैं बिरयानी हमारी बिल्कुल दम हो चुकी है ना। बहुत ही अच्छे खिले खिले चावल भी हो गए और मसाला भी हमारा अच्छे से हो गया है, बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं कितनी मज़ेदार दिख रही है ना। अब बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। बहुत ही मज़ेदार, सिंपल और बहुत ही कम टाइम में बनती है। आप भी ज़रूर बनाकर ट्राई करें। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।